Welcome to Time News Studios. You are watching 5 p.m. Bulletin. एनसीओसी तरफां कोरोना पाबंदनि में नरमी जो ऐलान, हफ़्ते में ॿ ॾींहं बदिरां हिकु ॾींहुं कारोबार बंदि करण जो फ़ैसिलो। कारोबार कहिड़े ॾींहुं बंदि करणो आहे उनजो फ़ैसिलो सूबा कंदा। मज़ारूं ऐं सिनेमा घर बंदि रहंदा। पाबंदनि में नरमी 15 जून खां लागू थींदी। वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर चयो आहे त पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन जा 1 करोड़ डोज़िस लॻी विया। डिसंबर ताईं 7 करोड़ शहरनि खे वैक्सीन लॻाइण जो हदफ़ आहे। सरकारी निजी मुलाज़मनि खे 30 जून ताईं वैक्सीन कराइणी पवंदी। काजी फाइज ईसा साहब और चौकत अजीज सदीकी साहब का केस है, उसको अदलिया को अपने ऊपर हमला सबर किया जाना चाहिए और हमेशा के लिए जुडिशरी के ऊपर जो धौंस और धांधली और प्रेशर से फैसले लिए जाते हैं, तो इस चीज़ को इस वक्त रोकना बहुत जरूरी है। जो भी आपने डील की है, चाहे वो आपने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए की है, तो पार्लियामेंट के जरिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया। बजट के रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इंशाल्लाह कौम के सामने उसको जल्द लेके आएंगे। इस्तीफों का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त पीडीएम में शामिल थी वो इस्तीफा दे दें। पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए, इंशाल्लाह ताला इनका इंतजाम होगा। पीपल्स पार्टी मुंहिंजो हलफ नाहे, साणन को बि मुक़ाबिलो नाहे। हाणे पीपल्स पार्टी जे मामले ते सवाल थियणु न घुरिजनि। पी डी एम में शामिल समूरियूं पार्टीज़ पहिरीं गॾिजी इस्तीफ़ा ॾियनि हा त फ़ाइदो थिए हा। नवाज़ लीग जे नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त बजट बाबति हिकमतियामी जो ऐलान शहबाज शरीफ कंदो। पी डी एम में के बि इख़्तिलाफ़ न आहिनि। इतिहाद में शामिल पार्टीज़ जो नज़रियो हिकु ई आहे, जेको नवाज़ शरीफ जो मौक़ुफ़ आहे। पी डी एम जी पार्टीज़ जो उहो ई मौक़ुफ़ आहे। मुल्क में इदारनि खे सियासी इंतकाम लाइ इस्तेमालु कयो वञे थो। बशीर मेमण जो बयान शाहिदी तौरु मौजूदु आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मरियम नवाज़ चयो त अमरीका खे अॾो ॾियण वारो मामिलो इंतिहाई संजीदा आहे। हुकूमत मामिलो पार्लियामेंट में आणे ई पंहिंजे ब्लंडर बाबति आवाम खे आगाह करे। जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा शौकत सिद्दीकी ख़िलाफ़ केसिस खे अदलिया ते हमिलो सम्झणु घुरिजे। अदलिया खां दॿाउ ऐं धमकियुनि ज़रिए फ़ैसिला कराइण वारो रुझान हाणे ख़तमु कयो वञे। पीपल्स पार्टी सरकार पाण त सिंध में कमु न कयो, बहिराड़ी लाइ वफ़ाक़ी स्कीम्स ते बि एतिराज़ वारे छॾिया। सिंध जे वॾे वज़ीर खे तकलीफ़ थी आहे त वफ़ाक पुठिते पियल इलाइक़नि लाइ छो स्कीम्स ॾिनियूं। छा सिंध जा पुठिते पियल इलाइक़ा पाकिस्तान जो हिसो न आहिनि? वफ़ाक़ी वज़ीर डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा ऐं मोहम्मद मियाँ सुमरो वॾे वज़ीर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रदे अमल। वफ़ाक़ी वज़ीरनि चयो आहे त पीपल्स पार्टी सिंध में 13 सालनि ताईं ताक़तवर हुकुमरानी ऐं बादशाहत कई आहे। मुख़ालिफ़नि खे बि भित सां लॻायो वियो। मुराद अली शाह ईअं न ॾेखारे त 18 तरमीम खां पोइ रियासत अंदरि रियासत क़ाइमु थी वई। सिंध खे 1 साल में 1 खरब मिलियो, ॿुधायो वञे त उहो किथे ख़र्चु थियो। सिंध जा हुकुमरान बदीन जे आवाम खे मिलंदड़ पाणीअ जो हिकु ढुक बि भरीन त केस तां हथु खणी वेंदासीं। सिंध काबीना जे मेंबर जो लाइफ स्टाइल ज़ाहिर करे त ख़बर पइजी वेंदी। सिंध सरकार चाहे थी त वफ़ाक़ सॼो पैसो उनखे ॾेई एहतसाब न थिए। ॿुधायो वञे त सिंध हुकूमत में केरु ग़रीब आहिनि जेकी NFC में पुठिते पियल इलाइक़नि लाइ मखसूस कयल रक़म खाई विया। बग़ावत केस में गिरफ़्तार नवाज़ लीग अग़वार जावेद लतीफ़ जी ज़मानत मंज़ूर। लाहौर जी अदालत ज़मानत मंज़ूर कंदे जावेद लतीफ़ खे आज़ादु करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अदालत तर्फ़ां नवाज़ लीग अॻवान खे 2-2 लख रुपियनि जा मुचलका जमा कराइण जो बि हुकुम। ॾहिरकी ट्रेन हादसे में फ़ौत थियल वधीक 7 मुसाफ़िरनि जी सुञाणप थी वई। रहीमयार ख़ान इस्पताल में सुञाणप बाद फ़ौतनि जा वारिस मड़ खणाए विया। रेलवे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म सवाती चयो आहे त ट्रेन हादसे में 63 शहरी शहीद ऐं 107 ॼणा ज़ख़्मी थिया। शहीदनि जे वारसनि खे 15 लख रुपिया ऐं ज़ख़्मियुनि खे इलाज लाइ 3-3 लख रुपिया ॾिना वेंदा। हादसे जा 20 ज़ख़्मी मुख़्तलिफ़ इस्पतालुनि में दाख़िल आहिनि। 1-1 ज़ख़्मियुनि सां अयादत कई। सदन इलाज में का बि कसर न छॾी वेंदी। वफ़ाक़ी वज़ीर जो चवणु हो त ट्रैक जी मुकमल बहाली ताईं हू ग्राउंड ते मौजूदु हो।
अच्छा तुझे घर भी दे, मुझे घरा मुझे घर दे। देखो आयन माइनस है जी, मजा मत किया तो जेके भी आयन मानन ते एफआईआर कटराइंदा, मा पिटीशन यू दाखिल कराइंदा, मा शदीदम के भी कोन ते बदमाशी कई तुम को, मा दहशतगर्द या को मा चोर ना है। एसएसओ मरवत ते इरफान बहादुर एसएसपी ते असा पिटीशन दाखिल कंदा। तमा के किथे रखे हो बडी? मुखे मलीर कैंट में रखे हो तुम। तमा इन दौरान किथे को तशद्दुद वगैरह को मिटे तशद्दुद आने ना तुमना ले तशद्दुद। शहीद बाबा शहीद थी वो सिंधी कौम के करे, शहीद चाचू शहीद थी वो सिंधी कौम के करे, असा ये जेके दुख सहूं ता पे सिंधी कौम के करे, पर सिंधी कौम आला शो चुपा। बाबा ई चाचा सिंध लाए शहादत दिनी, असा ते दुख्यो वक्त आयो तो सिंधी कौम चुप है, हौसला बुलंद आहिन, आखिरी फसाहत आई सिंध के हकन लाए जंग जोटींदासी, आऊं को चोर या धारेल नाया जो घर ते चढ़ाई करे बदमाशी कई वही। जिसकम चेयरमैन तरफा एसएसपी मलीर आई हद के एसएचओ खिलाफ केस दाखिल कराने का ऐलान। अदालत बहरान टाइम न्यूज से गालाइंदे सनान कुरेशी चयो तो साईं जीएम सैयद की अदम तशद्दुद वाली वार्ड से हलूँ था, पोए भी कार्रवाइयों कई व्यूं। धरने दौरान हंगामा कदड़न का लातालुकी जो इजहार कयो, अज भी हमलन की मुसम्मत करूँ था, फोन करे घुराए वने हाँ तदें भी पेश थिया हाँ, घरन ते इं चढ़ाइयों थियं जो जन दहशतगर्द हुआ, हिरासत दौरान बदतरीन तशद्दुद कयो वयो, घरन ते चढ़ाइन बदमाशी के कें भी सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो। दफ्तर बंद गाड़ी में वेठल सनान कुरेशी तरफा वकीलन कारकुनन सा कचहरी दौरान टहकड़ा। सिंधी वसनन के कब्जे खिलाफ बहरिया टाउन अग्न धरने बाद गिरफ्तार कल जसकम चेयरमैन जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले। कराची की दहशतगर्दी टोड़ अदालत सनान कुरेशी जो बिन ढीन ला जिस्मानी रिमांड मंजूर कर वरतो। बुधनी दौरान सनान कुरेशी अदालत आरो चयो तो हिरासत में तशद्दुद खिलाफ दाहिर बावजूद केस रिमांड से उन्हें हवाले किया वे तो। तशद्दुद बाबत जज के सवाल से सनान कुरेशी चयो तो अखियो बंद कर तशद्दुद किया वो हो। धरने बाद बसेस में लाहे गिरफ्तार कल 120 कौमी कारकुन 14 ढीन के अदालती रिमांड से जेल हवाले। मलीर कैंट की पुलिस बख्तरबंद गाड़ी जरिए जसकम चेयरमैन की अदालत पहुंचाया। पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में ही सनान कुरेशी संदस भाग कौसैन कुरेशी से मुलाकात कराई। मुलाकात दौरान बख्तरबंद गाड़ी जो दर बंद कर वो। बख्तरबंद गाड़ी में सनान कुरेशी के नंढे भा प्यार मंझा मिठी डिनी। वकीलन कारकुनन तरफा सनान कुरेशी की नारेबाजी से आजिया मथस गुल निछावर कया पा। अदालत में वापसी से बख्तरबंद गाड़ी में वेहन दौरान सनान कुरेशी हथ लोडे कारकुनन के जवाब दिनों, विक्ट्री जो निशान भी दिखारो।